लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में प्रेस वार्ता कर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ी चिंता पलायन है। कुछ लोगों को जांच की बात से घबराहट हो गई है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है अगर मेरी सरकार बनी तो 7 निश्चय योजना पर जांच होगी। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी योजना में हुई है। नली गली की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वो तुरंत ढह जा रही है। इसकी जांच कराने में क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री इससे क्यों घबरा रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो जेल भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे जमुरा कहा गया है, अगर मैं जमुरा हूं तो मदारी कौन है? मुझे मजबूरी बस बिहार वापस आना पड़ा। मैंने बिहारी को अपमानित होते देखा है। नीतीश कुमार ने बिहारी शब्द को बदनाम कर दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार को बदहाल कर दिया है। बिहार में शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए। नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। देखिए पटना से संवाददाता रंजीत कुमार की रिपोर्ट। होंगे तो आप जेल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? एक और मुख्यमंत्री है जो अभी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, 15 साल में उनका भी कार्यकाल रहा और उसके बाद पता चला कि उन्होंने भैया भ्रष्टाचार किया तो सजा काट रहे। आप भी सजा काटेंगे अगर आपने भ्रष्टाचार किया, नहीं काटेंगे नहीं कर दिया तो आपको डर किस बात का? क्यों इतने परेशान हो रहे हैं कि आपके मंत्री भगवान जाने क्या क्या बोलने पर आ गए? ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके मंत्री लोग। क्या बोल रहे हैं भैया कि जमुरा जमुरा कहा गया ना मुझे? आप मुझे बता दीजिए अगर मैं जमुरा हूँ तो मदारी कौन है? किसका अपमान कर रहे हैं ये लोग? बोलने से पहले ये पूरी तरीके से भूल जाते हैं। निरंतर मुझे ये तो कहा जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी के इशारों पे काम कर रहा हूँ, मैं भाजपा के इशारों पे काम कर रहा हूँ, तो किसका अपमान कर रहे हैं आप भैया? मुझे जमुरा बोल के किसको आप मदारी कहने की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का जो अपमान जो निरंतरता में ये लोग करते रहते हैं, कभी उन्हें कालिदास कहा जाता है, कभी उन्हें क्या कहा जाता है, मेरी समझ के पढ़ने लग जाते हैं। आप तो उनके सहयोगी रहे, मेरी फिल्मों के बारे में लेकर कहा जा रहा है कि भैया उसमें इसका पैसा लगा, उसमें करवाइए ना जांच करवाइए। कौन मना कर रहा है? मैंने मना किया क्या? मैं डर रहा हूँ क्या किसी बात से? जिसका पैसा लगा आप उसकी जांच करवाइए, बल्कि जांच लगवा के मुझे ही बताइए, क्योंकि मेरी भूमिका आपने ऐसे नहीं दी थी उस फिल्म में। आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि भैया उसके पीछे कौन इन्वेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। मेरी भूमिका जितनी थी जाके काम करना, काम किया आया। उसके बाद बोलते कि भैया नहीं चली फिल्म, फ्लॉप हो गया। हाँ हुआ, मानता हूँ मैं, कहाँ मना कर रहा हूँ ये बातों को, तो मैं भी ईमानदारी से कबूल करता हूँ। मैं उतनी ईमानदारी से मैं ये भी कहता हूँ कि अगर 4 साल 5 साल 6 साल अगर मैं उस इंडस्ट्री में रहता तो कहीं ना कहीं एक अपना डिसेंट नाम मैं ज़रूर वहाँ पर मैं बनाता। अमिताभ जी को देखिए, कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया वहाँ पर? स्ट्रगल हर क्षेत्र में होता है, पर उन दिनों भी जिस तरीके से पिताजी की तबीयत खराब थी, मजबूरीवश मुझे आना पड़ा था वापस, और मैं यहाँ पर आया। और हकीकत ये भी है कि वहाँ पर जिस तरीके से मैंने हालात देखे बिहारियों को, मौजूदा मुख्यमंत्री की वजह से जो बिहारियों को वहाँ पर बदनामी झेलनी पड़ती है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया था वहाँ पर। मुंबई में रहकर मैंने सामने से मैंने देखा कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है। ज़्यादा अपनी वो दिखाते, श्रद्धा दिखाते, भैया भाजपा के प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाइए, उनके प्रति अपनी आस्था दिखाइए। नतमस्तक हो रखे हैं एकदम बुरी तरीके से मुख्यमंत्री के सामने, नीतीश कुमार जी के सामने कि भैया माफ़ी मांगे। किस बात की माफ़ी मांगू? जांच होने दीजिए ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि जांच में अगर उनका नाम आया तो जेल जाएंगे और 100% वो जेल जाएंगे। जस्ट बिकॉज कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप रसूखदार हैं, अगर आप ये सोचें कि मैं छोटे अधिकारी हैं उन लोगों को फंसा दिया जाएगा और मैं छूट जाऊँगा, ये होने नहीं वाला अगली लोजपा की सरकार में। जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाएंगे तो मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। तो जो घबराहट है बस वही मैं आप लोगों के सामने आज रखने आया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री एकदम परेशान है, घबराए हुए हैं। निरंतर उनके लोग जमुरा से लेकर मतलब प्रधानमंत्री जी तक का भी अपमान करने से ये लोग रुक नहीं रहे। और जो मुख्यमंत्री चिंतित थे कि भैया चिराग पासवान प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाए, कहीं पर नहीं लगाए, कहाँ लगाई थी मैंने तस्वीर पहले, तो यही मुझे नहीं पता था। आप लोगों ने ये विषय ही क्यों उठाया था मेरी ये समझ में ही नहीं आया कि क्यों नीतीश कुमार जी और उनके नेताओं ने बोलना शुरू किया कि तस्वीर नहीं लगेगी, तस्वीर नहीं लगेगी। मैंने कहाँ पर तस्वीर लगाई? कहते कि मैं प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। कौन सी जगह पर जाकर मैंने गिनाया उनके काम, कौन सी जगह पर जाकर मैंने बोला उनके बारे में कि प्रधानमंत्री? हाँ, पर मैंने गिनाया, जरूर बोला कि प्रधानमंत्री से झूठ मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं।
झूठे वादे उनको करते कि हमने हर गांव में नली गली बना दी, झूठे वादे कर रहे हैं, झूठी बातें झूठी जानकारी मेरे प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, और उसके बाद तस्वीर नहीं लगाएंगे। जो मेरी तस्वीरों से परेशान हो रहे थे, आज खुद उनकी तस्वीर प्रधानमंत्री जी ने अपने पोस्टर होर्डिंग से हटा दी है। इस बात का जवाब दें, अपनी चिंता सामने करें कि आपकी तस्वीर क्यों नहीं लगी हुई है। बड़े बड़े होर्डिंग सारी जगह हम लोग भी देख ही रहे हैं ना, फ्रंट पेज की ऐड आई थी उस दिन अखबार में, सारे अखबारों में फ्रंट पेज, तो कहाँ गए उनके चेहरा, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है उसमें। इन बातों का जवाब देना भैया, आप अपनी चिंता करें, मेरी चिंता क्यों करते हैं कि मैं किसकी तस्वीर लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ। तो ये सारी बातों की जांच होगी, शराबबंदी और भ्रष्टाचार दोनों की जांच होगी, और दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। पनोरमा ग्रुप प्रस्तुत करता है पनोरमा स्टार प्रतियोगिता Season 3 टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट 2020। आपके अंदर है यदि हुनर डांस, संगीत और चित्रकला की, तो बनाइए अपने मोबाइल से वीडियो और भेजिए पनोरमा स्टार प्रतियोगिता Season 3 में और पाइए शानदार उपहार। फर्स्ट प्राइज 51,000 रुपये, साथ ही अन्य कई गिफ्ट। सेकंड प्राइज 25,000 रुपये, साथ में अन्य कई गिफ्ट। थर्ड प्राइज 11,000 रुपये, साथ में अन्य कई गिफ्ट। पनोरमा स्टार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 8 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष होना चाहिए। ऑडिशन के लिए वीडियो भेजने की अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2020। वीडियो 2 मिनट का होना चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549000057।